हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे करेले की सब्जी, वो भी बिल्कुल मेरे स्टाइल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लेंगे करेला, देख सकते हो आप, छोटे छोटे मैंने करेले लिए। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हमें ना इसे ऊपर ऊपर से छिल लेना है ताकि इसका जो कड़वापन है वो सारा निकल जाए। अब हम इसे राउंड राउंड करके कट कर लेंगे। पूरे करेले को मैंने राउंड राउंड ही कट किया है। आप चाहिए तो जिस तरह चाहे वैसे तरह कट कर सकते। अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक। नमक डाल के पूरी तरह करेले में मिला देंगे। मिलाने के बाद हाथों की मदद से थोड़ा सा सान लेना है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। फ्राइंग पैन में मैंने डाला है धनिया। धनिया को अच्छी तरह से भून लेना है, भूनते जाना है। अगर हमने हाथ रोका तो धनिया जल सकती है। साथ ही में हम सूखी मिर्ची को भी भून लेंगे ताकि दोनों साथ में अच्छे से भून जाए। आप देख सकते हो मैं कंटिन्यू चला रही है, आप भी इसी तरह चलाइएगा। धनिया भून के हो गया। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और कढ़ाई में डालेंगे सौंफ, अजवाइन, मंगरेल। ठीक है, अब हम इन तीनों को साथ में भून लेना है। साथ ही साथ हम थोड़ा सा ज़ीरा भी ले लेंगे। इसे भी इसी तरह साथ ही में भूनना है, हमें इसे रोकना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा। अब हम इसे निकालेंगे मिक्सर की जार में और हमारा जितना भी मसाला सब एक साथ करके हम पीस लेंगे। पीसने के बाद आप देख सकते हो कि इसे मैंने ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, एकदम थोड़ा सा दरदरा रखा है। फ्रैंक पैन में हम डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैंने कुछ लहसुन को अच्छी तरह से कूट के रखा होता है, तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें लहसुन। लहसुन के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कांदा। कांदे को साथ ही में भून लेना है, हमें दोनों ही हल्का सा लाल करना है, ज़्यादा लाल नहीं करना है। अब साथ ही साथ हमें इसे चलाते भी रहना है। अब आप देख सकते हैं हल्का लाल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे जो बुक के मसाले थे, जो अभी हमने पीस के रखा था, उसको हमें ले लेना है। अब हम इसे भी साथ में चला लेंगे, अच्छी तरह से चलाएंगे, सारा कांदा मिक्स कर लेंगे मसाले के अंदर। अब हम इसमें लेंगे हमारा स्वाद अनुसार नमक और अब हमें इसे लेना है करेला। करेले को अच्छे से मैंने धो लिया है, इसका सारा कड़वापन निकल चुका है, आप देख सकते हो, आप भी अच्छे से धो लीजिएगा। अब हम इसे अच्छे से चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे एक आधा नींबू। नींबू को कट कर लिया है मैंने, नींबू को अच्छे से रस निचोड़ लेना है। और अब हम इसमें एक बार और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे ताकि इसमें और अच्छा एक कलर आ जाए। अब हमें इसे अच्छे से चला लेना है। चलाने के बाद हम इसे थोड़ा देर के लिए ढक के रख देंगे और गैस को कर देना है हमें स्लो। अब थोड़ा देर हो चुका है, अब एक बार हमें इसे चला के देख लेना है कि ये अच्छे से पक चुका है कि नहीं, कहीं पकड़ तो नहीं लिया। फिर से हमें इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देना है। आप देख सकते हो मैंने सारा मसाला बीच में, भाजी बीच में कर दिए। अब थोड़ी देर हो चुका है, आप देख सकते हैं हमारी सब्जी पक चुकी है। मैंने लहसुन को फ्राई करके ऊपर से थोड़ा सा तड़का लगा दिया ताकि इसका जो फ्लेवर हो, जो उसका टेस्ट हो, वो डबल हो जाए। तो गाइस, आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम इसे निकालेंगे एक बाउल में और सर्व करके देखेंगे कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।